नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबरों की शुरुआत करते हैं 4 बजे की बड़ी खबरों के साथ। जहां पहली खबर, दिल्ली से बीजेपी की बैठक की आ रही है, जहां दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मची हुई है। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में यूपी समेत 100 से 120 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। वहीं बात करें दूसरी खबर की, तो अखिलेश यादव को मिले सीबीआई के समन की, जिसमें अखिलेश यादव को आज पेश होना था लेकिन वो नहीं गए। तीसरी खबर हिमाचल में मचे सियासी घमासान की है, जहां स्पीकर ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। और चौथी खबर संदेश खाली के गुनहगार से जुड़ी आ रही है, जहां शाहजहां शेख को 55 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से आ रही खबर की, बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल तेज। यूपी की 20 से 30 सीटों के प्रत्याशियों के नामों का आज हो सकता है ऐलान। 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। इसके अलावा पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह बैठक में होंगे मौजूद। अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा भी बैठक में होंगे शामिल। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में होंगे शामिल। तो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज ये बैठक हो रही है, जिसमें 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20 से 30 प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल तेज। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज दिल्ली में मौजूद। तो दिल्ली में आज चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और साथ ही साथ 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की बात की जा रही है। 2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी शामिल। बीजेपी सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। इसके अलावा बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में भी इस पर सहमति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी की सीटों पर भी चर्चा। रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को उतारा जाएगा। महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछली बार से 33% ज्यादा होगी। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तौर पर इसकी तैयारी कर ली है। महिला कानून लाने के बाद में जिस तरह से महिला बिल पेश किया है, उसके बाद 33% ज्यादा हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले अपने पार्टी से शुरुआत करने की बात यहां पर ठानी है। 2019 में 53 महिलाएं बीजेपी के टिकट पर उतरी थी। 33% ज्यादा के हिसाब से इस बार 70 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी पहले लिस्ट में था शामिल। जयशंकर तमिलनाडु और निर्मला कर्नाटक से हो सकती हैं प्रत्याशी। प्रत्याशियों के नामों पर आज होगा मंथन। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं शामिल। साल 2019 के लिए पहली लिस्ट में पीएम मोदी का नाम था शामिल। गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी पहली लिस्ट में था शामिल। जयशंकर तमिलनाडु और निर्मला कर्नाटक से हो सकती हैं प्रत्याशी। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह। तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आज बीजेपी के खेमे में सियासी हलचल तेज है। अब देखना ही होगा कि 100 से 120 उम्मीदवारों की जो बात आ रही है उसमें किसके नामों पर मुहर लगती है। फिलहाल राजनीतिक गहमागहमी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही साथ चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष आज दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करेंगे मंथन। देखना यह होगा कि 20 से 30 सीटों की बात जो उत्तर प्रदेश में आज कही जा रही है वो कौन कौन सी सीटें होंगी और उम्मीदवारों के नामों को लेकर जिस तरह से अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लिस्ट के बाद ही इस पर खुलासा सामने आएगा।
और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से आज बड़ी बैठक दिल्ली में बीजेपी की होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग बैठक में मौजूद होंगे। 100 से 120 उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 20 से 30 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। क्या कुछ अटकलें हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार है, और ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली की सरकार है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक टारगेट दिया है 80 में 80 सीटें, मिशन 80 अभियान चलाया है, तो जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 से 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट है काफी, यहाँ पे खुद सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं, तो ये पहला नाम है जिस पर मोहर लग सकती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नाम पर मोहर लग सकती है जी। अयोध्या की सीट है जो राम नगरी है, वहां पर सांसद लल्लू सिंह हैं, तो देखना ये होगा कि यहाँ पर घोषणा जो है अभी हो जाती है या फिलहाल बाद में होती है। तीसरी महत्वपूर्ण सीट है अमेठी की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद हैं और सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उन्होंने कांग्रेस के घर को डहा करके भाजपा का कमल खिलाया है, वहाँ पर भी स्मृति ईरानी के नाम की घोषणा हो सकती है। रही बात राजधानी लखनऊ की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे सांसद हैं, कद्दावर कद है, भारतीय जनता पार्टी के चोटी के नेता हैं, उनके भी नाम की घोषणा हो सकती है। इस तरह से तमाम सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम 15 बीआईपी सीटें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इत्मीनान में है कि वहां उन्हें चेहरा बदलने की जरूरत जी, है। जी अनिल जी, जिस तरह से 15 वीआईपी सीटों की आप बात कर रहे हैं, उन 15 वीआईपी सीटों में क्या मनोज पांडे और राकेश सिंह के उथल पुथल के बाद में अमेठी और रायबरेली का भी आज घोषणा सामने आ सकती है या भी इंतजार बरकरार रहेगा? बेशक प्रियंका, अम्बेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे हैं, उनके पिता राकेश पांडे हैं, उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उससे बेहतर चेहरा नहीं है। रितेश पांडे युवा चेहरा है, विधायक रह चुके हैं, सांसद हैं वर्तमान समय में, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बड़ी ताकत दी है पूर्वांचल में, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी रितेश पांडे के नाम की भी घोषणा कर सकती है। रही बात रायबरेली में मनोज पांडे की, मनोज पांडे भी चेहरा बन सकते हैं दानी नेहरू परिवार के सामने। रायबरेली में जिस तरह की अटकलें हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली में चुनाव लड़ सकती हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, इस नाते भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अनिल, राज्यसभा में जिस तरह का समीकरण बदले हैं और जिस तरह से अदला बदली हुई है समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी में, इसके बाद क्या प्रियंका गांधी के नाम को लेकर जो चर्चाएं शुरू हो रही थी वो वाकई में अंजाम तक पहुंचेंगी? बेशक प्रियंका, जिस तरह से उथल पुथल हुई है उसमें कांग्रेस में कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ है, लेकिन रही बात रायबरेली की, तो चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी जो है रायबरेली में कुछ खास नहीं कर पाई है। 2019 के चुनाव में दिनेश सिंह को सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हारी थी, 1 लाख से अधिक वोट से हारी थी, तो लिहाजा ये रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है उनका मानना है कि प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली सेफ सीट है जी। अनिल, लेकिन जिस तरह से अमेठी में पिछली बार किला ढाया गया था और रायबरेली की जो बात की जाए, क्योंकि सोनिया गांधी सामने थी इसलिए रायबरेली की सीट कांग्रेस को मिली थी, अब जब क्योंकि सोनिया भी नहीं है और मनोज पांडे जिस तरह से पाला बदला गया है, क्या यहाँ पर उम्मीदें देखी जा सकती हैं और क्या एक बार फिर से अप्रत्याशित नतीजे सामने आ सकते हैं? राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मनोज पांडे लगातार तीसरी बार विधायक हैं और एक अच्छा चेहरा है, वो युवा में पसंद है, जनता की पसंद है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की भी पसंद बन चुके हैं। विपरीत परिस्थितियों में विधायक बन करके जीतते रहे हैं चुनाव वो, लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर विकल्प मिला है,
अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं भी लड़ाती है इनमें चुनाव, फिर भी रायबरेली में एक बड़ी मजबूती बनी है, मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी में जो एक रणनीति होती है वो भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, वो चाहे रायबरेली हो या फिर चाहे अमेठी हो। जी बिल्कुल अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सादिक खान भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हैं। सादिक, इस समय की हलचल की यदि बात की जाए तो क्या कुछ हलचल है, कितना समय लगेगा बैठक के शुरू होने में और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल प्रियंका, आज 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। उससे पहले आप पूरी तरह से यहाँ एसपीसी ने अपने हाथ में पूरी सुरक्षा का ले लिया है, पूरी तरह से जितने बड़े पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, मुख्यमंत्रियों का आने का सिलसिला बस अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और ये पूरी बैठक 6 बजे से करेंगे, बैठक का शुभारंभ होगा। साफतौर पर आज कई जो उम्मीदवारों से जो अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे थे, कई लोगों की आज किस्मत खुलने का यहाँ पूरी तरह से तैयारी है और आज शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल सादिक, तो जिस तरह से 6 बजे को लेकर तैयारी है वहां पर, बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? इसके अलावा तमाम जो 100 से 120 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात आ रही है, क्या उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, आज सुबह से ही पार्टी मुख्यालय पर लगातार जो लोग अपने अपने लोकसभा में मजबूत दावेदारी ठोक रहे थे, वो अपने जितने भी बड़े पदाधिकारियों से मिलते हुए यहाँ नजर आए। लगातार सभी अपनी जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आज की जो बैठक होने जा रही है उसमें भी हमारा नाम आ जाए। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उत्साह पूरी तरह से यहाँ पार्टी ऑफिस में नजर आ रहा है। सभी बड़े नेता यहाँ पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं, लेकिन आज शाम में पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी। जी प्रियंका जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अनिल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तो हम लगातार बात कर ही रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले लिस्ट में नाम के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल होने की बात की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? गृह मंत्री अमित शाह के लिए यदि सीट का चुनाव होगा तो वो कौन सी सीट हो सकती है और क्या यूपी होगा या फिर गुजरात से? देखिए प्रियंका, बेशक अमित शाह जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक है, उन्हीं की रणनीतियां काम कर रही हैं, जनता में इस बात का मैसेज है कि अमित शाह की रणनीति को कोई फेल नहीं कर सकता है। अब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, इसमें कहीं से ना तो कोई शक है ना तो कोई संशय है। तो हो भी सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना है, बनारस को चुना है, उसी तरह अमित शाह भी कोई यहाँ पर इतनी सीटें हैं, इतनी महत्वपूर्ण सीटें हैं, धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर अमित शाह का भी नाम आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना तो कोई आश्चर्य की बात है। अमित शाह भी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की अंदर खाने में चर्चा भी चल रही है। जी बिल्कुल सादिक, जिस तरह से अनिल का कहना है कि अंदर खाने चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, इस बात की चर्चा चल रही है, पहली लिस्ट में नाम आने की भी बात कही जा रही है, कार्यालय पर आप क्योंकि मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ जानकारी निकल रही है, पहली लिस्ट में नाम शामिल होगा? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आज पहली लिस्ट का भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र है वो दावा कर रहे हैं कि आज पहली लिस्ट जारी होगी, उसमें माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो जाहिर साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री शायद चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ चर्चा का माहौल है। पार्टी मुख्यालय पर भी लगातार चर्चा सुबह से ही चल रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि अमित शाह गुजरात से चुनाव लड़ पाएंगे या उत्तर प्रदेश से, ये लिस्ट जारी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पर वापस आते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी सीटों की हम बात कर चुके हैं, वीआईपी सीटों की आप बात कर रहे थे, राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में दावेदारी राजनाथ सिंह की ही रहेगी या फिर यहाँ पर कुछ फेरबदल होने की उम्मीद है? देखिए प्रियंका, राजनाथ सिंह निर्विवाद चेहरा है, बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन उम्र के लिहाज से भी लोग ये भी कहते हैं कि 70+ के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं उम्मीदवारी को लेकर के कुछ सवाल खड़ा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये चीजें बहुत मायने नहीं रखेंगी और राजनाथ सिंह को मौका जो है राजधानी लखनऊ से मिल सकता है। अंदर खाने में ये चर्चा है कि पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी घोषित हो सकता है। जी बिल्कुल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की यदि हॉट सीटों की बात की जाए तो वो कौन सी सीटें हैं जिस पर सबसे अधिक लोगों की नजर टिकी हुई है? देखिए अयोध्या सीट है,
प्रयागराज सीट है, गोरखपुर सीट है, ये सब बड़ी हॉट सीट है, वाराणसी है, ये बड़ा महत्व रखती हैं पूर्वांचल की जो सीटें हैं, धार्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीति के गलियारों में मैसेज देने की दृष्टि से ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसके अलावा अमेठी हो गई, गौरीगंज हो गई, अमेठी हो गई, रायबरेली हो गई, आजमगढ़ हो गई, मैनपुरी हो गई, ये सीटें हैं जो विपक्षी दलों का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है वो 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है कि कैसे मिशन 80 फॉलो किया जाए और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाया जाए। जी अनिल पाठक जी, इसके अलावा जिस तरह से सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए के तमाम घटक दल और सहयोगी की यदि हम बात करें, चाहे संजय निषाद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर, एलडी के जयंत चौधरी भी अब साथ हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, क्या इन सभी को एक साथ समीकरण में बांधकर और सीटों के बंटवारे पर भी साथ कर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एक बार फिर से मजबूत दावेदारों के साथ कन्फर्म कर पाएगी? प्रियंका जी, जहां तक सहयोगी दलों की बात है, कभी भी अंदर खाने में खटपट जरूर हुई होगी भाजपा और उसके सहयोगी दलों की, लेकिन कभी भी सड़क पर वो छीछा लेदर नहीं दिखाई पड़ी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में आमतौर पर हमेशा देखने को मिलती है। रही बात उत्तर प्रदेश की, जो सहयोगी दल है वो इतने बड़े दल नहीं है जो उनको लेकर के बहुत अधिक विवाद की स्थिति हो। रही बात अनुप्रिया पटेल का, जो अपना दल है, पिछले चुनाव में 2 सीटें मिली थी, निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी, ओम प्रकाश राजभर अभी हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं और जयंत चौधरी भी अभी हाल फिलहाल में आए हैं, तो हमें लगता है कि इनको एक सीमित दायरे में रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी और इस चीज को लेकर के कहीं पर भी विवाद की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, ना तो खटपट सुनाई पड़ रहा है कि सामंजस्य बनाने में, सीटों के बंटवारे में कोई भाजपा और उनके सहयोगी दलों में विवाद की स्थिति है। जी बिल्कुल, सादिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सादिक, जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है 6 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, 20 से 30 सीटें जो खासतौर से उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश अहम राज्य हो जाता है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि कौन कौन सी वो सीटें होगी जिन पर आज घोषणा हो सकती है? बिल्कुल प्रियंका, आज की जो ये बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सीटों पर कल भी जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उस पर भी चर्चा गंभीरता से हुई थी, तो माना जा रहा है कि आज लगभग 16 से 20 सीटें जो आज उत्तर प्रदेश की है उसकी सूचियां जारी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 4 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिनके आज नामकरण जारी हो सकते हैं, साथ ही पूर्वांचल सहित पूरी 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की आज यहाँ जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं 2019 की यदि हम बात करें तो अलग अलग सीटें हैं, सहारनपुर से राघव, लखनपार, सुल्तानपुर की ये तमाम सीटें हैं। अनिल जी, आपके पास यहाँ पर आएंगे, तमाम सीटों की जब हम बातचीत कर रहे हैं और 2024 की बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कहाँ कहाँ पर रिपीटिशन हो सकता है और कहाँ लोगों का पत्ता कट हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। एक बार ये कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर भाजपा सांसदों के टिकट कटेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपना मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करना है, तो बेशक बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट कटेंगे जिसमें कहीं से भी कोई संशय नहीं है। अब ये देखने की अलग बात होगी कि किसका टिकट बचता है और किसका टिकट कटता है। टिकट कटने में जो सबसे अधिक चर्चा है वो पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी की भी चल रही है और मेनका गांधी, उनकी माता सुल्तानपुर हैं, उनके भी नाम की भी चर्चा चल रही है कि भाजपा इनको विराम दे सकती है, आराम दे सकती है। इसी तरह से और तमाम चेहरे हैं जिनसे भाजपा इस बार थोड़ा आराम करने के लिए कह सकती है। जी, इसके अलावा जिस तरह की गणित अभी तक के चुनाव में बीजेपी की तरफ से आई है कि कई सांसदों का डिमोशन किया गया तो कई विधायकों का प्रमोशन भी किया गया है, क्या इस बार भी ये गणित देखने को मिल सकती है कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें सांसदी के लिए दावेदार बनाया जाए? वैसे प्रियंका, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, पिछड़ा की, अगड़ा की, दलित की, फॉरवर्ड की, तो हर दल के पास एक बड़ी चुनौती है कि कैसे जातियों को साध के रखा जाए और जातीय की पॉलिटिक्स करते हुए बैतरणी को पार किया जाए। तो भाजपा भी इस पैमाने पर अपने आप को, अपनी कसौटी पर खड़ा करने की कोशिश करेगी।
जातीय जो समीकरण है उसको देख करके उम्मीदवार तय करेगी और कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव में उतरने का मौका मिल सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल सादिक, आपके पास आएंगे यहाँ पर मुख्यालय में आप हैं, हर पल पर नजर है आपकी, क्या लग रहा है आपको जो फील्डिंग की बात की जा रही थी या तमाम नेताओं के सहयोगियों की समर्थकों की बात कर रहे थे, क्या कुछ देखने में आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं आज? बिल्कुल प्रियंका, पूरी तरह से सबसे ज्यादा जो यहाँ लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उत्तर प्रदेश के जो सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, सबसे ज्यादा चहल पहल यहाँ उत्तर प्रदेश के नेताओं की, जो लगातार बड़े जो संगठन महामंत्री उनके जो कार्यालय पर भी बहुत सुबह से ही जमा हुआ था उत्तर प्रदेश के नेताओं का, तो लगातार साफ तौर पर यह है कि आज पूरी तरह से जो प्रदेश के नेता है वो यहाँ अपने नाम को पूरी तरह से मजबूती के साथ रखे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन आज शाम की बैठक में पूरी तरह से स्थिति क्लियर हो जाएगी, जब पार्टी पूरी बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी करेगी। साथ ही प्रियंका मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हार देखी थी उन सीटों पर सबसे ज्यादा दल की बैठक में भी मंथन हुआ था, पार्टी सबसे पहले उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे विधायकों के डिमोशन से लेकर प्रमोशन से लेकर सांसदों के डिमोशन पर यहाँ पर बातचीत हो रही थी, क्योंकि हर तरह का गणित बीजेपी की चुनावी रणनीतियों में आजमाने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं नए नए प्रयोगों के माध्यम से जीत की बात होती है। 80 में से 62 सीटों की 2019 में बात की जाए तो जिस तरह से कब्जे में है, और उसके बाद जो सीटें रह जाती हैं वो कौन सी सीटें हैं, और उसके अलावा वो कौन कौन सी विशेष सीटें होंगी जिन पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती थी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट अपनी बचा पाई थी, वो भी रायबरेली, और 6 सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों ने जीती थी। बाद में 2 सीटें पे बाय इलेक्शन हुआ, वो भी भाजपा की झोली में आ गया। लेकिन फिर भी ये आम चुनाव है, इसमें बहुत फूक फूक के कदम रखना होता है, तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के चयन से लेकर के जो चुनाव की रणनीति है उस पर अभी से काम कर रही है, और किस रणनीति के तहत मिशन अफसी का लक्ष्य पूरा किया जाए इस पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। उसी रणनीति के तहत कांग्रेस की जो 2 सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, इस पर सर्वाधिक फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और उसका परिणाम आपको राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला, सर्जिकल स्ट्राइक समाजवादी पार्टी पर हुई और कांग्रेस पार्टी पूर्णतया लड़खड़ा गई उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, वाराणसी और लखनऊ के बाद सबसे हॉट सीट जो अमेठी की आप यहां पर बातचीत कर रहे थे, और स्मृति ईरानी ने जहां पर कमल खिलाने की इस बार बात की थी, राहुल गांधी की यात्रा जब अब वहां पर पहुंची थी तो कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा था कि एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में ये सीट आ सकती है, ताजा स्थिति की बात करें तो स्मृति ईरानी की क्या स्थिति है अमेठी में? देखिए जैसा कि स्मृति ईरानी जो है लगातार क्षेत्र में बनी हुई है, जनता से उनका सीधा जुड़ाव है, वही राहुल गांधी यात्रा लेकर के तो गए लेकिन वहाँ पर वो अपने भावनात्मक हिस्सों को जोड़ नहीं पाए, वहाँ पर वो चुनावी मुद्दा की बात करते रहे, पीडीए की बात करते रहे, बैकवर्ड दलित मोर्चे की बात करते रहे, लेकिन जो उनका पिछले 40-50 सालों से जो रिश्ता है अमेठी से, वो भावनात्मक रिश्तों का उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, जिससे ये बात अमेठी के वोटरों को अखरी जरूर है कि राहुल गांधी ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो आपसे पहले उनको लगातार मिलता आ रहा था गांधी नेहरू परिवार से। तो बेशक कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने अपना स्पेस बना लिया है, अमेठी में अपना घर बना लिया है, लोग घर बनाने की बात करते हैं लेकिन स्मृति ईरानी ने घर बना करके ये मैसेज कर दिया है कि अमेठी ही उनका घर है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शादिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, बैठक दिल्ली में हो रही है लेकिन उसकी धमक उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है, देखना ही होगा कि जब सूची में 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं तो किस तरह की सियासी खलबली सियासत के गलियारों में मचती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, नमस्कार।